लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मोड में है। बता दें कि 26 अप्रैल को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है और जिसको देखते हुए सरायपाली के नए मंडी प्रांगण में क्षेत्रीय विधानसभा के चारों मंडल के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को राज्य की जनता ने हाथों हाथ लिया है और पूरे राज्य में संतोष और खुशी का माहौल है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के लिए 5 न्याय गारंटी दी है। ये महज चुनावी सजबाग है। अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रही कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से इस तरह से झूठे वादे नहीं करने चाहिए। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का आज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज हमारे सरायपाली में था और इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में आज जो है कांग्रेसी जो है आज भाजपा प्रवेश किए हैं और पूरे देश में मोदीमय का वातावरण बना हुआ है। हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से हमारे पूर्व संसदीय सचिव हैं रूप कुमारी चौधरी जी, उनको महासमुंद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इस समय मोदी जी की गारंटी और विष्णु देसाई जी का जो योजनाओं को धरातल पर लाए हैं उनका जादू चल रहा है। पूरे प्रदेश में विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे 11 की 11 सीट करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सरायपाली विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक सरायपाली से डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी भी शामिल रहे। हमारे राजा साहब सम्मानीय नीलेंद्र बहादुर जी भी कल उन्होंने प्रवेश लिया है और जनपद के 10 सदस्य, सहकारी समिति के सदस्य, सरपंच और आम जनता, ऐसी बड़ी संख्या में कांग्रेस से जो जुड़े हुए थे उन्होंने सभी लोगों ने आज प्रवेश किया है और आज बहुत उत्साह का माहौल है यहाँ पे।